कैप्टन सरकार नूं घेरन लई अकालियां दे कोल होर बहुत मौके आउणगे, पर हुण पहली समस्या उत्तर प्रदेश विच भाजपा सरकार वल्लों 650 दे करीब पंजाबी परिवारां नूं उजाड़न दीआं घड़ियां जा रहीआं साजिशां दा विरोध करना है। आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन दे कौमी प्रधान दलेर सिंह डोड़ ते जनरल सकत्तर गगनदीप सिंह ने अकाली दल बादल दे यूथ विंग दे कौमी प्रधान परमार सिंह बंटी रोमाणा दे बयानां दे प्रतिकरण वजों उक्त शब्दां दा प्रगटावा करदिआं कहा कि जो भाजपा सरकार वल्लों पहलां गुजरात फिर मध्य प्रदेश अते हुण यूपी विच सिख किसान जो कि पिछले 70 सालां तों यूपी विच रह रहे ने पर हुण यूपी विच भाजपा सरकार सिखां नूं उजाड़न की कोशिश कर रही है। उन्होंने दस्सिया कि सिख संगठन उत्तर प्रदेश के प्रधान जसवीर सिंह विरक ते पाल सिंह की अगवाई में वफद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ नूं भी मिल चुके हैं। उन्होंने भी कोई बाह नहीं फड़ी। जसवीर सिंह विरक के मुताबिक आजादी तो बाद 1950 कुछ पंजाबी परिवारों ने पिंड चंपतपुर तहसील नगीना जिला बिजनौर और पिंड रणनगर जिला लखीमपुर खीरी में बेआबाद जमीन खरीदिया तो जहरीले जंगली जीवों की बहुतात के बावजूद बियाबान जमीनों को वाहीयोग बनाया। पक्के मकान हर तरह के कनैक्शन बैंक खाते होने के बावजूद भी 70 सालों के बाद तीजी पीढ़ी को उजाड़न की कोशिश की आ रही है। आल इंडिया सिख स्टूडेंट वालों उक्त सिख परिवारों को हर तरह की मदद का भरोसा दिंदे आख्या कि अकाली दल बादल वालों केंद्र सरकार में भाईवाल पार्टी भाजपा और केंद्रीय मंत्री बीबा हरसिमरत कौर बादल ने नुमाइंदगी करके इस मसले को हल करवाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट आवाजी कम टीवी।